पूरी दुनिया में अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस के संक्रमण ने 14,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है। लेकिन राहत देने वाली बात ये है कि 3,33,000 संक्रमित लोगों में से लगभग 1 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं। चीन में इस वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से 181 देशों में 4,68,905 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच काफी खौफ का माहौल फैला हुआ है। लोगों को थोड़ी सी सर्दी खांसी भी अगर होती है तो लोग सोचने लग जाते हैं कि कोरोना वायरस का ये कहीं संक्रमण तो नहीं। अगर आपको भी सूखी खांसी, तेज बुखार, बहती नाक, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो आप जान लें कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। अब ऐसे में हमारे दिमाग में ख्याल यही आता है कि आखिर कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज कहां से कराया जाए, इसीलिए हम आपको कोरोना वायरस से संबंधित टेस्ट के बारे में भी बता रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानें कि आखिर आप टेस्ट कहां पर करवा सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम आखिर क्या है और टेस्ट में क्या होता है। व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, ये उसके यूरिन या फिर खून के नमूने से पता नहीं लगता। इसके टेस्ट का तरीका आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, लेकिन ये टेस्ट आसान और काफी जल्द ही खत्म भी हो जाता है। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए कोई खास टेस्ट नहीं है, बल्कि इसे हॉस्पिटल में 5 टेस्ट के द्वारा ही पता किया जाता है। अगर आपको कोरोना वायरस है तो फिर 5 तरह के टेस्ट है। ए, स्वाब टेस्ट। इस टेस्ट में एक स्पेशल कॉटन के द्वारा गले और नाक के अंदर का सैंपल लिया जाता है। ए, नसल रेपिडेट। इस टेस्ट में नाक में एक स्लाइन डाली जाती है और फिर उसे आराम से नमूना लिया जाता है। ए, ट्रिचुअल एपिरेस्ट। ब्रोंकोस्कोप नाम की एक पतली हल्की ट्यूब आपके फेफड़ों में डाली जाती है, जहां से आपके सैंपल एकत्र किए जाते हैं। बलगम का टेस्ट। थूक आपके फेफड़ों से बलगम का एक प्रकार है, जिसका सैंपल लिया जाता है। ब्लड टेस्ट। इन टेस्ट के साथ साथ आपका ब्लड टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे कोरोना वायरस के बारे में पता किया जा सके। टेस्ट के नतीजे आने के बाद आखिर समय कितना लगता है? टेस्ट कराने से पहले आपके लक्षणों की कई बार जांच होगी। एक बार टेस्ट हो जाने के बाद आपको आपकी बीमारी के आधार पर मौके पर ही भर्ती होने के लिए कहा भी जा सकता है। अब ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपना दिमाग इस बात के लिए तैयार रखें कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, इसीलिए जब भी आप अस्पताल जाएं तो अपने साथ साथ अपना जरूरी सामान भी जरूर रख लें। हो सके तो बेडशीट, पानी और घर का खाना साथ में पैक कर लें। टेस्ट के नतीजे आने में 2 दिनों का वक्त लग सकता है और आपको तब तक शांति से इंतजार करना होगा। अस्पताल में रहते हुए घबराने या फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आपका मोबाइल फोन होगा, जिससे आप अपने परिवार और अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको भर्ती होने के लिए नहीं कहा गया है तो आप वापस घर भी लौट सकते हैं और नतीजों का इंतजार कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको फ्लू या कोरोना वायरस जैसे लक्षण महसूस हो तो घबराएं बिल्कुल नहीं। फौरन नजदीकी अस्पताल जाएं, अपनी जांच कराएं। समय पर इलाज ही सबसे अच्छा बचाव है। अब ये जरा जान लीजिए कि आखिर किन लैब में होता है कोरोना वायरस का टेस्ट। कोरोना वायरस का टेस्ट ऐसे लैब में किया जाता है जो प्रमाणित है। भारत सरकार द्वारा दिल्ली सहित 62 शहरों में प्रमाणित लैब स्थापित की गई हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले श्री वेंकटेश्वर चिकित्सा विज्ञान संस्थान तिरुपति और आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम में अपना टेस्ट आसानी से करा सकते हैं। इसके साथ ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग अपना टेस्ट क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में करा सकते हैं। यदि आप असम में निवास करते हैं तो अपना टेस्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ पर भी करवा सकते हैं। जब आपको बिहार में अपना टेस्ट कराना है तो राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ में टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर भी जा सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं तो अपना टेस्ट अखिल भारतीय संस्थान मेडिकल साइंस रायपुर में करा सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में भी आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। जब आपको गुजरात पसंद है और अपना टेस्ट आप वहीं कराना चाहते हैं तो आप BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर भी जा सकते हैं।
अगर आप हरियाणा जा रहे हैं तो अपना टेस्ट पंडित बीडी शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक और बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत में भी करवा सकते हैं। जब आपका मन हिमाचल प्रदेश में अपना टेस्ट कराने का हो तो आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा टांडा में भी करवा सकते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, तो टेस्ट शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कराया जाता है। इसके अलावा अगर आप झारखंड में टेस्ट कराना चाहते हैं, तो एमजे मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में कराया जा सकता है। अगर आप कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है तो अपना टेस्ट आप मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फील्ड यूनिट मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शिमोगा में अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। वहीं अगर आप केरल में अपना टेस्ट कराना चाहते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी फील्ड यूनिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिशूर में आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो अपना कोरोना टेस्ट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर में करा सकते हैं। मेघालय में जाना है तो आप अपना कोरोना टेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग में करा सकते हैं। महाराष्ट्र के निवासी हैं तो टेस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और कस्तूरबा अस्पताल मुंबई में करवा सकते हैं। अगर आप मणिपुर में रहते हैं तो आप कोरोना टेस्ट जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल इम्फाल पूर्व और क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान इम्फाल में करवा सकते हैं। उड़ीसा के रहने वाले अगर आप हैं तो अपना कोरोना टेस्ट रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर में करवा सकते हैं। पांडिचेरी के निवासी अपना टेस्ट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में करवा सकते हैं। अगर आपको पंजाब पसंद है तो आप कोरोना टेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में करवा सकते हैं। राजस्थान अगर आपको जाना है तो आप अपना टेस्ट सवाई मानसिंह जयपुर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर जवाहर मेडिकल कॉलेज जोधपुर और एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में करवा सकते हैं। तमिलनाडु अगर आपको पसंद है तो टेस्ट किंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई में आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप त्रिपुरा के निवासी हैं, अपना टेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थेनी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप करवा सकते हैं। अगर आप तेलंगाना के रहने वाले हैं तो आप अपना टेस्ट गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद में भी करवा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप कोरोना टेस्ट किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में करवा सकते हैं। उत्तराखंड के अगर आप निवासी हैं तो अपना कोरोना टेस्ट आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में करवा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अगर आप रहने वाले हैं तो आप अपना टेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिजीज कोलकाता में भी करवा सकते हैं। कोरोना वायरस से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। इसके लिए आप +91 11 23 97 8046 और ईमेल ncov2019@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप अपना कंट्रोल रूम 02026127394 और टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना वायरस बीमारी से संबंधित अन्य जानकारी के लिए सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in में भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीम इंस्टाफीड। इंस्टाफीड।